जय हिंद। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम प्रश्न उत्तर करने वाले हैं क्लास 10 हिंदी क्षितिज भाग 2 का। ये चैप्टर 9 है यशपाल। इसका कहानी है लखनवी अंदाज। तो आइए लखनवी अंदाज का प्रश्न उत्तर हम करते हैं प्रश्न अभ्यास से। पहला प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न का उत्तर है, लेखक के अचानक डिब्बे में कूद पड़ने से नवाब साहब की आँखों में एकांत चिंतन में खलल पड़ जाने का असंतोष दिखाई दिया। ट्रेन में लेखक के साथ बातचीत करने के लिए नवाब साहब ने कोई उत्साह नहीं प्रकट किया। लेखक से कोई बातचीत भी नहीं की और न ही उनकी तरफ देखा। इससे लेखक को स्वयं के प्रति नवाब साहब की उदासीनता का आभास हुआ। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? तो यहाँ पर दूसरा का सही जवाब है, नवाब साहब द्वारा दिए गए खीरा खाने के प्रस्ताव को लेखक ने अस्वीकृत कर दिया। खीरे को खाने की इच्छा तथा सामने वाले यात्री के सामने अपनी झूठी साख बनाए रखने के उलझन में नवाब साहब ने खीरा खाने की सोची, परंतु जीत नवाब के दिखावे की हुई और इसी इरादे से नवाब साहब ने खीरा सूंघ कर फेंक दिया। नवाब के इस स्वभाव से ऐसा प्रतीत होता है कि वो दिखावे की जिंदगी जीते हैं। खुद को अमीर सिद्ध करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। अब आइए तीसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो इसका सही जवाब होगा, हम लेखक यशपाल के विचारों से पूरी तरह सहमत हैं। किसी भी कहानी की रचना उसके आवश्यक तत्वों, कथा वस्तु, घटना, पात्र आदि के बिना संभव नहीं होती। घटना तथा कथा वस्तु कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पात्रों द्वारा संवाद कहे जाते हैं। कहानी में कोई न कोई विचार, बात या उद्देश्य भी अवश्य होना चाहिए। ये कहानी के लिए आवश्यक तत्व हैं। अब आइए चौथे प्रश्न की ओर। आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? तो यहाँ पर उत्तर होगा, इस कहानी का नाम झूठा दिखावा, नवाबी शान या आडंबर भी रखा जा सकता है, क्योंकि नवाब ने अपनी झूठी शान शौकत को कायम रखने के लिए अपनी इच्छा को ही दबा दिया। साथ ही उनके नवाबी स्वभाव, सामंती वर्ग की बनावटी जीवन शैली व दिखावे को सिद्ध करता है। अब रचना और अभिव्यक्ति से प्रश्नोत्तर होगा। देखिए पांचवा का क प्रश्न है, नवाब साहब द्वारा, यहाँ पर खीरा लिखा हुआ ना, तो खीरा, ठीक है, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है।
इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर होगा, सेकंड क्लास के एकांत डिब्बे में बैठे नवाब साहब खीरा खाने की इच्छा से दो ताज़े खीरे एक तौलिए पर रखे हुए थे। पहले तो उन्होंने खीरे को खिड़की से बाहर निकालकर लोटे के पानी से धोया और तौलिए से साफ कर पानी सुखा लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिरे काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत सावधानी से छीलकर फांकों पर बहुत कायदे से जीरा नमक मिर्च की सुखरजी बुरक दी। इसके बाद एक एक करके उन फांकों को उठाते हुए और उन्हें सूंघकर खिड़की से बाहर फेंकते गए। इसके बाद ख प्रश्न है, किन किन चीज़ों का रसास्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं? इसका उत्तर है, हम देखिए यहाँ पर खीर बना रहे हैं, ठीक है। तो खीर का रसास्वादन करने के लिए उसे अच्छी तरह से एक कटोरी में रखते हैं तथा उसके ऊपर काजू, किशमिश, बादाम और पिस्ता डालकर अच्छी तरह से उसे सजाते हैं और फिर उसका स्वाद लेते हैं। देखिए इसके बाद छठा प्रश्न है, खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और भी सनकों और शौक के बारे में पढ़ा सुना होगा, किसी एक के बारे में लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर होगा, पाठ में प्रस्तुत खीरे के प्रसंग द्वारा नवाब के दिखावटी जिंदगी का पता चलता है। इससे उनके सनकी व्यक्तित्व का ज्ञान होता है। ऐसे ही एक सनक यह भी हो सकती है, नवाब अपनी शान और शौकत के लिए पैसे लुटाने से बाज नहीं आते हैं, फिर चाहे उनके घर में पैसों की तंगी ही क्यों ना हो, पर बाहर वे खूब पैसे लुटाते हैं। देखिए इसके बाद सातवां प्रश्न है, क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ तो ऐसे सनकों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर उत्तर होगा, सनक के दो रूप होते हैं। ऐसे कुछ सनकों का उल्लेख नीचे दिए जा रहा है, एक सकारात्मक तथा दूसरा नकारात्मक। जहाँ एक और नकारात्मक सनक किसी व्यक्ति को समाज में हंसी मजाक का पात्र बना देता है, वहीं सनक का सकारात्मक पक्ष उसे रातों रात प्रसिद्ध कर देता है। मदर टेरेसा को सनक थी गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करने की, तो हमारे देश के देशभक्त नेताओं को देश की आज़ादी दिलाने की सनक सवार थी। महात्मा बुद्ध की सत्य को खोने की सनक थी, ठीक है। उन्हें गौतम बुद्ध का दर्जा दिला दिया, ठीक है। यहाँ पर खोने नहीं, खोजने, सत्य को खोजने, खोजने, ठीक है। तो सत्य को खोजने की सनक थी, ठीक है, खोजने, सत्य को खोजने की सनक थी। यहाँ पर खोजने, ठीक है, खोजने, खोजने की सनक थी। इसके बाद भाषा अध्ययन से देखिए आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटकर क्रिया भेद भी लिखिए। जैसे क है, एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। यहाँ पर बैठे थे, इसके कारण ये अकर्मक क्रिया हुआ। ख, नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, यहाँ दिखाया है सो सकर्मक क्रिया है। ग प्रश्न, थाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है, तो कल्पना करना यह अकर्मक क्रिया है और यहाँ पर है
अकर्मक क्रिया है। ख प्रश्न, अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, यहाँ पर खीरा है, खीरे खरीदे होंगे, तो यहाँ पर काटना सकर्मक है और खरीदे होंगे ये सकर्मक है। अंग प्रश्न है, दोनों खीरों के सिरे सिर काटे या उन्हें गोद कर झाग निकाला, यहाँ काटा सकर्मक क्रिया है, गोद कर सकर्मक क्रिया है, निकाला सकर्मक क्रिया है। देखिए च प्रश्न है, नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाँकों की ओर देखा, यहाँ देखा अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। छ प्रश्न है, नवाब साहब खीरे, यहाँ पर खीरा है, खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए, तो लेट गए अकर्मक क्रिया है। जब प्रश्न है, जेब से चाकू निकाला, तो निकाला ये सकर्मक क्रिया है। इस प्रकार से इस चैप्टर का कंप्लीट वीडियो कंप्लीट हुआ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।